हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? ओह, आप सब अच्छे होंगे, है ना? ओके, तो आज हम एक बार फिर से अ से ई की मात्रा तक देखते हैं। ओके, पहले हमने देखा था ना, अ अ की कोई भी मात्रा नहीं होती, इसलिए जैसे ये शब्द लिखा है कप, इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी है, है ना? कप। ओके, नेक्स्ट देखा था हमने आ की मात्रा। आ की मात्रा ऐसे सीधी होती है, स्टैंडिंग लाइन जैसी सीधी होती है। अब जैसे हम शब्द में देखते हैं, क है, क में आ की मात्रा का, फिर ल है, ल में आ की मात्रा ला, तो क्या बन जाएगा? काला। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, छोटाई की मात्रा देखी थी हमने, तो छोटाई की मात्रा आगे लगती है, कोई भी ये वर्ण है, वर्ण के आगे लगती है और ऐसे गोल करते हैं उसको, तो क में आगे लगी है और गोल है, तो ये है छोटाई की मात्रा। क में छोटाई की मात्रा की, त में आ की मात्रा ताब, किताब, किताब। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था बढ़ाई की मात्रा, तो बढ़ाई की मात्रा पीछे लगती है, जैसे क है तो क के पीछे लगी है ना, तो ये वर्ण के पीछे लगती है, तो लाइन और गोल करना है ऊपर से, तो क में बढ़ाई की मात्रा की चढ़, कीचड़। ओके, तो हमने ये मात्रा ई की मात्रा तक पढ़े, शब्द भी देखे इसके बहुत सारे। ओके, तो अब हम आज इसके वाक्य देखेंगे। वाक्य यानि ऐसे वाक्य जो एक साथ लिखे होते हैं, सेंटेंस बोलते हैं उसको, हम उस आज ये वाक्य देखेंगे, तो आपको ये जल्दी से आपको पढ़ने भी आ जाएगा और लिखने भी आ जाता है। ओके, तो ये वाक्य है अ से लेकर बढ़ाई की मात्रा तक के ये वाक्य हैं। ओके, तो आपको नोटबुक में हेडिंग डालनी है वाक्य, डेट आएगी 30 और 7 थर्सडे, तो हम फर्स्ट नंबर डालेंगे और पहली लाइन में पहले हम देख लेते हैं क्या लिखा है। मदन, मदन, घर, घर, चल, चल, मदन, घर, चल, ऐसा आपको लिखना है। पीछे स्टैंडिंग लाइन है, यानी लाइन है, पूर्ण विराम बोलते हैं इसको, यानी ये सेंटेंस पूरा हो गया तो ये हम लाइन लगाते हैं, तो आपको वैसे ही लगानी है। अब वन लाइन हो जाएगी तो आपको वन लाइन छोड़ देनी है, लेफ्ट कर देनी है, उसके बाद उसके दूसरी लाइन से आपको ऐसे एरो बना के यहाँ पे लिखना है, यही सेम टू सेम वाक्य लिखना है, ऐसे लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा है। तो पहले सबसे पहले लाइन फिर लिखना है मदन, मदन, फिर आएगा घर, घर, फिर लिखना है चल, चल, फिर पूर्ण विराम, मदन, घर, चल। इसी प्रकार आपको ऐसा ही वन नंबर यहाँ पे स्पेस छोड़े हैं वहाँ पे लिखना है। ओके, दूसरा नंबर पे देखते हैं। अब दूसरा नंबर पे फिर वन लाइन छोड़नी है, जो भी वाक्य लिखोगे उसके बीच में एक एक लाइन आपको छोड़ते जानी है। दूसरा नंबर, समय, समय, पर, पर, उठ, उठ, समय पर उठ, तो आपको यहाँ पे फिर से वन लाइन छोड़नी है, फिर एरो है तो यहाँ पे लिखना है एक एक लाइन छोड़ के, समय, समय, पर, पर, उठ, उठ, समय पर उठ, फिर लाइन। ओके, फिर थ्री नंबर, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर थ्री नंबर पे आएंगे। अब इसमें देखिए र है, र में आ की मात्रा लगी है, तो क्या हो जाएगा? यस, रा, र में आ की मात्रा राम, राम, छ में आ की मात्रा छा, त में आ की मात्रा ता, छाता, ल में आ की मात्रा ला, य में आ की मात्रा या, लाया, राम, छाता, लाया, आपको ऐसे एक साथ पढ़ना है, राम, छाता, लाया,
तो आपको फिर से एक लाइन छोड़नी है, फिर यहाँ पे दूसरी लाइन में लिखना है राम, फिर यहाँ पे आएगा छ में आ की मात्रा छा, त में आ की मात्रा ता छाता, ल में आ की मात्रा ला, य में आ की मात्रा या लाया, राम छाता लाया। ओके, फोर नंबर देखते हैं। फोर नंबर में है आ ल स, आलस मत मत कर कर, आलस मत कर। तो आपको वैसे ही यहाँ पे लिखना है ये सेंटेंस वाक्य। ओके, फिर हम फाइव नंबर पे देखते हैं। फाइव नंबर पे है द में छोटाई की मात्रा है, आगे से है द में, तो द में छोटाई की मात्रा दी न दिन, न में छोटाई की मात्रा नी क ल निकल, आ या आया, दिन निकल आया। तो आपको यहाँ पे एरो है तो यहाँ पे लिखना है आपको, जैसे ऐसे लिखना है दिन निकल निकल आया, दिन निकल आया, दिन निकल आया। ओके, सिक्स नंबर देखते हैं। र व में छोटाई की मात्रा वी रवि, क में छोटाई की मात्रा की ता ब किताब पढ़, रवि किताब पढ़। तो आपको यहाँ पे लिखना है एक लाइन छोड़ के रवि किताब पढ़। सेवन नंबर द में बड़ाई की मात्रा है तो दी प क दी प क, द में बड़ाई की मात्रा दी प क दीपक जला जला, दीपक जला, दीपक याने होता है दिया दिया। ओके, तो दीपक जला। फिर आपको यहाँ पे एक लाइन छोड़ के लिखना है। एक नंबर देखते हैं क में बड़ाई की मात्रा गी, त में आ की मात्रा ता गीता, स में बड़ाई की मात्रा सी, ट में बड़ाई की मात्रा टी सी टी बजा, गीता सी टी बजा। ओके, तो एक लाइन छोड़ के यहाँ पे आपको ये लिखना है। आपके ऐसे आठ वाक्य हैं, एक बार फिर से हम रीड कर लेते हैं। पहला है मदन घर चल, दूसरा समय पर उठ, तीसरा नंबर राम छाता लाया, राम छाता लाया, चौथा नंबर आलस मत कर, आलस मत कर, फिफ्थ नंबर पांचवा नंबर दिन निकल आया, दिन निकल आया, छठा नंबर रवि किताब पढ़, रवि किताब पढ़, सातवां नंबर दीपक जला। ओके, दीपक जला। आठवां नंबर गीता सीटी बजा, गीता सीटी बजा। ऐसे ही आपको ये आठ लाइन है, आपको वैसे ही पहली लाइन देखना है, उसके नीचे नीचे उसके बाद दूसरी लाइन वैसे ही लिखनी है जैसे हमने यहाँ पे आगे देखा था। ओके, तो आपको इसी प्रकार ये वाला आपको आपकी नोटबुक में पूरा करना है। ओके, थैंक यू।